नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो मिथिला यूनिवर्सिटी के डिग्री पार्ट 3 के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका सेशन 2017 से 20 है और कुछ दिन पहले ही हुए डिग्री पार्ट 3 के एग्जाम्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो छात्र अब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो छात्रों के मन में एक डॉट उत्पन्न हो रहा है कि UGC के गाइडलाइन के हिसाब से फाइनल ईयर के छात्रों का एग्जाम्स रिजल्ट जो है वो 30 अक्टूबर से पहले दे देनी चाहिए और अगले सेशन जो है आरंभ होगी 1 नवंबर से। तो क्या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आप लोगों के डिग्री पार्ट 3 का रिजल्ट 30 अक्टूबर से पहले या 30 अक्टूबर तक दे देंगे? इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मिथिला यूनिवर्सिटी में कुछ एग्जाम्स आप लोगों ने मार्च महीने में ही दे दिए, लेकिन कुछ पेपरों का एग्जाम जो है आप लोगों का बच गया था और बीच में जो है COVID-19 का केस आने लगा, इस कारण से आप लोगों का जो पेपर है वो बच गया था। लेकिन इस बीच आप लोगों का एग्जाम्स कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ओवरऑल आप लोगों का जो रिजल्ट आने की संभावना है वो क्या है, यूनिवर्सिटी के तरफ से क्या डेट अनाउंस किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो नमस्कार, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है मिथिला यूनिवर्सिटी कुछ भी किसी भी पार्ट की रिजल्ट घोषित करती है वो अचानक से करती है, ठीक है। किसी को इसके बारे में कोई सूचना नहीं रहता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के रिजल्ट इतने तारीख को रिजल्ट जारी करेगी, पार्ट 2 के इतने तारीख को रिजल्ट जारी करेगी या पार्ट 3 के इतने तारीख को रिजल्ट जारी की करेगी। लेकिन जितने भी छात्र अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए हुए अपने रोल नंबर को, उनका जो है रिजल्ट उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है, वो भी अचानक से आता है। आपको पता भी नहीं रहेगा कि मिथिला यूनिवर्सिटी डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी संभावित या फिक्स तिथि नहीं बताई गई है कि डिग्री पार्ट 3 के छात्रों का एग्जाम रिजल्ट जो है वो इतने तारीख को जारी किए जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बता देना चाहूंगा कि आप लोगों के डिग्री पार्ट 3 की रिजल्ट की संभावित तिथि क्या होने वाली है और इतना समय क्यों लगेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अभी दशहरे का त्योहार चल रहा है। दशहरे के त्योहार में विश्वविद्यालय के काम काज जो है वो कुछ दिन बाधित रहेंगे। कुछ दिन बाधित होने के बाद जो है आप लोगों का जो है जस्ट बाद जो है दशहरा खत्म होने के जस्ट बाद इलेक्शन का बोझ है, ठीक है। इलेक्शन ड्यूटी में क्या होता है कि कुछ महाविद्यालय हैं और कुछ शिक्षक गण जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। अगर आप लोगों के कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा और महाविद्यालय में कामकाज नहीं होगी तो आप लोगों के रिजल्ट में बाधाएं आ सकती है, टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल आप लोग ये जान लीजिए कि विश्वविद्यालय ने छात्रों के कॉपी पहले ही अगर मूल्यांकन कर लिए होंगे तो दशहरे के बाद 30 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ रहता है, तब आप लोगों का जो है रिजल्ट 15 से 20 नवंबर के बीच जारी किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, कॉपी का मूल्यांकन तभी होगा जब शिक्षक जो है वो फ्री रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉइंट्स जरूर नोट कर लिए होंगे कि मिथिला विश्वविद्यालय किसी भी पार्ट की रिजल्ट जारी करने से पहले उनकी डेट अनाउंस नहीं करती है, अचानक से मिथिला विश्वविद्यालय किसी भी पार्ट की रिजल्ट जारी करती है। तो किसी को पता नहीं रहता है कि हमारे रिजल्ट इतने तारीख को आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोग और याद कर लिए होंगे कि दशहरा के बाद अगर कॉपी का मूल्यांकन हो गया रहेगा तभी रिजल्ट जारी किया जाएगा, नहीं तो आप लोगों के रिजल्ट जो है वो इलेक्शन के बाद अर्थात 15 से 20 नवंबर के बीच आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी मिल गया कि आप लोगों के रिजल्ट की तिथि कब क्या होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।